इंडियन बैटमैन 3D में आ चुका है फ्रैंकलिन का बहुत सारा सुपरमैन का पावर, वो जो मन चाहे वो कर सकता है, इजीली बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा पेंडिंग वो इजीली में उठा हमसे किसी चीज को उठा देगा बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो बात है उस समय की जब फ्रैंकलिन का दोनों मिलके बात कर रहा था, फ्रैंकलिन और दादा मिलके बात कर रहा था कि तुझे मैं एक सीक्रेट चीज़ देने वाला हूँ, तो उसके घर पे दो दो पुलिस आ जाता है और दोनों मिलके बात ही कर रहा था तभी दो पुलिस उसके घर में आके तुरंत से तबाही मचाता था। उसके घर पे जैसे है बिना कुछ बोले या सुने वाले ने उस पर हमला कर दिया, तो पुलिस वाले मौका दिला रहे और फ्रैंकलिन कुछ भी नहीं कर सकता था, उसको एक टाइम भी नहीं दे रहा था उसको फाइट करने के लिए। पुलिस वाले दोनों ही बहुत तेज थे और उसके घर पे है उसका दादाजी को जब तक मारे तब तक मार दिया। और फ्रैंकलिन का जैसे ही नींद टूटा तो देखा कि मेरे दादाजी के शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, तो फ्रैंकलिन पूरा ज़्यादा डर जाता है, पूरी ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है कि साले को मैं छोड़ेगा ना दोनों पुलिस वाले को। तो जल्द से जल्द दोनों उठा फ्रैंकलिन और देखा अपना दादाजी का क्या हाल है, तो जैसे ही दादाजी का देखा कि भाई साहब मेरा बेड पे खून ही खून हो चुका है और तीन तीन शरीर भी टूट चुका है, देखा उसका बेड पे खून ही खून हो चुका है, तुरंत अपना फ्रैंकलिन गया अपना स्टिकी बम निकाला और सारे पुलिस वाले को स्टिकी बम से उड़ा दिया और एक पुलिस वाले से सब चीज़ पूछ लिया। तो आप लोग भी देख रहे हो उस पुलिस वाले को कितना धमाका है, साला जितना लोग हैं वो सबको इजीली मारा है, तीनों पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया और सारे लोगों को भी मार दिया। देखा ये सब भी लोग है, ये सभी लोग शामिल है, ये सबको भी मार रहा है। एक पुलिस वालों को सोचा कि इससे हम क्यों ना पूछ ले, तो एक पुलिस वाले को छोड़ के उससे सारी बात बता दे। तो भाई साहब अभी भी मौका है सच सच बता दे तो तुम्हारी परिवार बहुत ज़्यादा खतरे में हो जाएगा। और पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए, फ्रैंकलिन सब चीज़ बता दिया कहाँ कहाँ उसका बॉडी पार्ट क्लैप करके रखा है, मतलब छुपा था। आखिरी में पुलिस वाले को भी मार दिया, उसके फैमिली को भी मारने जा रहा था, लेकिन सोचा कि क्यों मार दें यार, इससे मटर हम इसी से सॉल्व कर दिए। तो पुलिस वाले सारी चीज़ बता दिए कि उसका दादाजी का हम कहाँ कैप्सूल में बंद किए एंड कहाँ उसका शरीर टुकड़ा से फेंके हैं। तो जल्द से जल्द जाना पड़ेगा फ्रैंकलिन उस जगह जहाँ उसका दादाजी का शरीर का तीन टुकड़ा है, तो जल्द से जाना पड़ेगा। तो पहला टुकड़ा है जो कि कंस्ट्रक्शन एरिया के पास में एक बड़ी सी जो न्यू बिल्डिंग था उसी का ऊपर एक उसका दादाजी का शरीर है, मतलब सीना वीना से वहीं पर है। तो वहाँ फ्रैंकलिन जाने वाला है बिना टाइम वेस्ट करते हुए। फ्रैंकलिन के पास है एक फॉर्चुनर है, तो फॉर्चुनर से ही जाने वाला। अगर भाई लोग चैनल पर हैं तो भाई लोग एक सब्सक्राइब करें, मात्र एक लाइक करें बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो फ्रैंकलिन काफ़ी तक गुस्से में थे, उसने एक ही बात सोचा था हम आएंगे तो दादाजी को वापस लेके आएंगे, नहीं तो हम भी नहीं आएंगे। तो समझ से तो जिस बंदे पर है पूरा गुस्सा तो वो कुछ भी कर ही के आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आप लोग भी समझ रहे हो, अगर चाहे तो भाई लोग समझ रहे हो तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो बिना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि ऐसे अपना मज़ेदार वीडियो लाता रहता है। अगर चैनल पर भाई लोग सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना गाइस। तो कंस्ट्रक्शन एरिया के पास भी आ चुके हैं, तो गाइस इसके लिए हम दादाजी का शरीर क्लेम करने के लिए तो इस बुलेट को ईजिली पार करना है तभी हमको मिल सकता है, नहीं तो ईजिली नहीं मिल सकता गाइस। तो आप लोग समझ ही सकते हो, तो इस वाले रेम इतना आसान नहीं हो सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड चैलेंज दिया गया है रेम चैलेंज। तो गाइस ये फॉर्चुनर से लगता नहीं, तो देखते हैं एक बार कोशिश करके फॉर्चुनर से हो जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक बाइक भी है, उतना ज़्यादा टेंशन भी है नहीं, तो अपना बाइक ZX-Tronic है। तो रेड गाइस ZX-Tronic भी आ चुका है, अभी अपना रेम चैलेंज से बाइक से निकलने की बात है, बाइक से इजीली रेम चैलेंज हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होता, तो आप लोग भी समझ ही सकते हो। तो रेड गाइस दादाजी का अपना मतलब सीना सब कनेक्ट हो चुका है, जो आप लोग देख रहे हैं ये इजीली कनेक्ट हो चुका है। तो पहला चीज़ तो कनेक्ट हो चुका है, अब दूसरा चीज़ कनेक्ट करने के लिए इस वाले जो रेम है उसके ऊपर बिल्डिंग पर जाना, मतलब समझ रहे हो एक भी गिरे तो भाई अरे 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 भाई साहब बच्चा 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 अरे गया अरे एक सेकंड के लिए बचाने। तो फ्रैंकलिन की तो उसका मतलब पैर भी मिल चुका है, अब दूसरा काम है फ्रैंकलिन का उसके मतलब उसका मतलब सिर मतलब समझ लो मतलब मार्क्स बोल रहे जब बोलो सीट भी बोल सकते हो। तो अभी फ्रेंड का ये बड़ा जो है ना इस रेम पहले से जंप मारना पड़ेगा, तो और गाइस इसके मारा जंप ले इनकी बहन के, तो हो जाए तो और राइड गाइस होने ही वाला था, लेकिन और राइड गाइस हो चुका है। उसके अब फ्रैंकलिन का दादाजी को मिलेगा, ये फ्रैंकलिन काफ़ी मतलब घायल हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं उसका मिशन तो कम्प्लीट हो चुका है गाइस। तो उसका फ्रैंकलिन का मिल चुका है दादाजी का सिर, मतलब पूरा एकदम कवर मिल चुका है, बोल भी सकते हो सिर भी बोल सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और पुलिस वाले बोल रहे थे कि मतलब तीनों शरीर मतलब तीनों टुकड़ा एक जगह रखोगे तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, तो फ्रैंकलिन जाने वाला है घर, घर ही सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। तो फ्रैंकलिन जाने वाला है घर, अगर भाई लोग चैनल पर भाई लोग एक सब्सक्राइब करिए बिना टाइम मिस करते हुए, और ऐसे आप लोग को मज़ेदार वीडियो लाता रहता है। तो
तो फ्रेंड इस फ्रेंकलिन पूरा ज़्यादा स्पीडिंग से बाइक चला रहा है जो कि उस पर जान के खेल के अपना दादाजी को बचाने वाला है। तो फ्रेंकलिन देखते हैं क्या कर देता है। तो वर्ड गाइस दादाजी बता चुका है और दादाजी जिंदा भी हो चुका है। उसने बोला तुम्हें हम 3 शक्ति देंगे तो आप लोग उसको कंट्रोल करने सीख जाएगा तो तुम बड़ा पावरफुल आदमी हो जाएगा। तो उसको दे चुका है तो आप लोग को भी ट्राई करके दिखाते हैं वो क्या चीज़ दिया गया है। वर्रा गाइस उसने सारा चीज़ दे दिया अपना दादाजी, आप ही हम बनने वाले हैं शक्तिमान। तो वर्रा गाइस अभी हम बन चुके हैं एक शक्तिमान। तो ये हमारा इनके पहले, अरे भाई साहब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है। देखो हम बन चुके हैं एक स्पाइडरमैन और पूरे शहर में मतलब उड़ के जा रहे हैं और पूरे शहर बहुत छोटा लग रहा है, मतलब छोटा छोटा बिल्डिंग लग रहा है और मेरे बिल्डिंग को बिल्कुल ही पास में है तो देख ही सकते हैं। और अरे अरे फ्रेंकलिन का भी उड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रहा है, मतलब उधर से इधर टर्न होने में मतलब फ्रेंकलिन को बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, फ्रेंकलिन देख सकते रेलवे स्टेशन भी देख सकते कितना छोटा सा लगता है और सबसे बड़ा रैम कितना भी अभी फ्रेंकलिन अरे 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 बीच टकरा रहा भाई साहब फ्रेंकलिन को इतना ज़्यादा अरे 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 गया 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 अरे फ्रेंकलिन उठ उठ अभी तुम गया अरे 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 टकरा 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 अरे भाई साहब 1 मिनट के लिए बच्चे मतलब नहीं तो फ्रेंकलिन अभी गिर ही ज़्यादा नीचे। तो अभी एरिया मतलब पूरा शहर वाले बोल रहे या क्या चीज़ हो रहा कोई पता ही नहीं चल रहा, पूरा शहर वाले अंतका गया थे लेकिन उसको पता नहीं अरे अरे गया अरे नहीं बचा भाई साहब अरे फ्रेंकलिन बढ़िया से नहीं तो चला जाकर यार बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा। तो अपना फ्रेंकलिन काफ़ी ज़्यादा मज़े में है। आप लोग को ऐसे ही मज़ेदार सा वीडियो चाहिए तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। अरे गया 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 ओल्ड वाला हाउस में जाता लैंड करता, लैंड करने फ्रेंकलिन को आता कि नहीं चले 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 अरे भाई साहब फ्रेंकलिन पूरा गोड़ हाथ टूट गया लेकिन उसको अरे छोटा ये दूसरा शक्ति अरे भाई इतना भी छोटा नहीं होने का। तो अभी देखते हैं बड़ा अरे अरे भाई इतना भी थोड़ा बड़ा नहीं होने लेकिन ठीक है इतना बड़ा है कोई बात दिक्कत नहीं। देखा मेरे बिल्डिंग तो मेरे सामने ही लगता है और कितना ज़्यादा छोटा सा लगता है। अभी चलते देखते हैं अरे अरे भाई साहब ये देखा मतलब देखिए एयरपोर्ट कितना ज़्यादा छोटा लग रहा है। अभी चलते हैं एयरपोर्ट का जो बिल्डिंग है ना, लेकिन एक बात है उड़ने में जो मज़ा है बड़ा होकर कोई भी मज़ा नहीं आता, जो उड़ने मज़ा है वो बड़ा होकर इतना भी ज़्यादा मज़ा नहीं है। आप लोग समझ लेते हो ये एयरपोर्ट का बिल्डिंग उठा फेंकने वाले हैं इसकी पहन के साले अभी उठ अरे उड़ जा। और राइट गाइस अपना बिल्डिंग भी उठ चुका है दोस्त, देख ही सकते हैं आप लोग कितना खतरनाक सा बिल्डिंग लगा ये, इसको फेंका साला फेंक जा। तो फ्रेंकलिन का मिल चुका है सबसे बड़ा पावरफुल शक्ति, 4 शक्ति मिल चुका है। आप लोग को ऐसे ही मज़ेदार सा वीडियो चाहिए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें बिना टाइम वेस्ट करते हुए।